क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदतन झूठे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब झूठ बोलने में, सार्वजनिक मंचों पर झूठ बोलने में, विदेशों में जाकर के भारत के बारे में झूठ बोलने में थोड़ी सी भी आत्मग्लानी नहीं होती? थोड़ा सा भी उन्हें यह एहसास नहीं होता कि दुनिया अगर उनके झूठ को पकड़ लेगी तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी? देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति जब मंच पे जाता है और ऑन रिकॉर्ड कोई बात कहता है तो पूरी दुनिया को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने कुछ बात रख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री उस मंच पे जाकर के झूठ बोले, अमेरिका जैसे देश में जाएं और वहाँ पे लोगों को संबोधित करें और कुछ बात कहें और उसमें झूठ बोल दें, और उस पे भी तुर्रा ये कि जब वो झूठ बोल दें तो फिर पकड़े जाएं, और पकड़े जाने के बाद भी उन्हें इसका की कोई परवाह नहीं। तो एक मिसाल आपको एक प्रमाण के साथ, सबूत के साथ एक मिसाल उनके झूठ की अभी सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है। कांग्रेस ने इस झूठ को पकड़ा है और ये पूछा है कि व्हाई नरेंद्र मोदी इज कंपल्सिव लायर, नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं? और जब वो झूठ बोलते हैं तो एक बार भी देश के सामने आकर के सॉरी तक नहीं कहते। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, पहले देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी अमेरिका में जून के महीने में 24 जून को वहाँ अमेरिका में होते हैं और वहाँ जा कर के उन्होंने एक भाषण दिया। भाषण में उन्होंने क्या कहा आप पहले सुन लीजिए। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक के कह रहे हैं कि भारत में हर साल हम एक नया आईआईटी बना रहे हैं और एक नया आईआईएम बना रहे हैं। उनकी इस बात के कहने के तुरंत बाद काफ़ी प्रतिक्रियाएं आईं, लगभग एक महीना बीत चुका है, काफ़ी प्रतिक्रियाएं आईं। लेकिन पिछले दिनों यह बात प्रमाण के साथ तब पकड़ी गई, ये झूठ तब पकड़ा गया जब कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद कुमार केटकर ने एक तारांकित सवाल किया राज्यसभा के अंदर शिक्षा मंत्री से। उन्होंने पूछा कि सरकार ये बताए कि पिछले 5 वर्षों में कितने आईआईटी और कितने आईआईएम खोले गए। इसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय के जो राज्य मंत्री सुभाष सरकार, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले 5 वर्षों में एक भी आईआईटी या एक भी आईआईएम, नया आईआईएम नहीं खोला गया है। अब आप दोनों चीज़ों को सामने रख कर के देखिए और मोदी जी की बात को सुनिए, सोचिए कि किस निर्लज्जता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बनवा रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार के अधीन काम करने वाले उनके जूनियर मंत्री सुभाष सरकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में एक भी आईआईटी एक भी आईआईएम हमने नहीं खोला। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद कुमार केटकर ने एक तारांकित सवाल किया और उनसे पूछा गया कि पिछले 5 वर्षों में जो आईआईटी आईआईएम खोले गए हैं किन किन शहरों में खोले गए, उसमें कितने कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, इसका जवाब दिया जाए। और इसी का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री जो राज्य मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय में, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस तरह का कोई आईआईएम कोई आईआईटी नहीं खोला गया। दोस्तों अब सवाल ये है कि एक प्रधानमंत्री जो इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है, जो झूठ बोल रहा है और पकड़ा भी जाता है, इसके बावजूद उनको आत्मग्लानी नहीं होती, उनको लज्जा नहीं आती, ये भी तो आके कह देना चाहिए था कि हमारी ज़ुबान से निकल गया, ज़ुबान फिसल गई, इस तरह की भी कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। क्या इस देश के लोग इतने मूर्ख, लोगों को वो इतना मूर्ख समझते हैं कि वो जो भी कहें जैसे भी कहें लोग उनकी बात को सच मान लेंगे? तो इस तरह से प्रधानमंत्री की गरिमा जो है खाक में मिलती है, घटती है, और लोग उन पर विश्वास नहीं करना जानते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री को, जिसको 140 करोड़ जनता, जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता का भरोसा है, वो भरोसा टूटता है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिक्र नहीं होती, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती कि लोग क्या कहेंगे, और बड़ी दिलेरी से नए कपड़े पहन करके वो फिर दूसरे मंच पर जाते हैं और वहाँ पे दूसरा झूठ बोलते हैं और पकड़े जाते हैं, फिर भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती।
दोस्तों आपको ये सोचना है कि ऐसा प्रधानमंत्री जब झूठ बोलता हो तो क्या न सिर्फ उनकी गरिमा खाक में मिलती है बल्कि इस देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है और विदेशों में खासकर खिल्ली उड़ाई जाती है कि इस देश को एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री मिला है जो सरेआम सफ़ेद झूठ बोलता है।